दोस्तों, ये जो डीडी फ्री डिश का बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं भाई, सिग्नल तो बढ़िया आ रहे हैं, मतलब 50-55% से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वीक सिग्नल बता रहा है। स्कैन कर लिया, सारे चैनल डिलीट करके स्कैन कर लिया, फिर भी ऐसे ही इसमें प्रॉब्लम बता रहा है। ये किस वजह से होता है? यानी कि सिग्नल फुल है भाई, क्वालिटी भी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, फिर भी वीक सिग्नल आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले यही जानना हमें ज़रूरी होगा, और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये दो कारणों से आती है। एक है आपका LNB। LNB जब वीक हो जाती है तो भाई वो सिग्नल अच्छा दिखाती है, लेकिन वहाँ पर वीक सिग्नल बताता है, और आप स्कैन करेंगे तो आपको चैनल भी कम देगा। भाई LNB आपकी ख़राब है तो वो क्या करेगा, चैनल को कम दे देगा, लेकिन वहाँ पर आपके ये प्रॉब्लम फिर भी बनी रहेगी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बॉक्स को किसी भी पहचान वाले के यहाँ ले जाके आप सारे चैनल डिलीट करके स्कैन करिए, और उसके LNB पर आप अपने बॉक्स को देख लीजिए भाई, वो अभी भी वीक सिग्नल दे रहा है कि नहीं। हाँ, अगर वीक सिग्नल दे रहा है तो समझ लीजिए आपका इस सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर नहीं है, यानी कि वहाँ ठीक चल रहा है, तो आप LNB को चेंज कर लीजिएगा। अगर बॉक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सप्लाई में यहाँ पर लगभग 3 या 4 वोल्टेज हमारे काम की होती हैं, जैसे कि 3.3 वोल्ट काम की होती है, 12 वोल्ट काम की होती है, एंड 24 वोल्ट काम की होती है, एंड 5 वोल्ट कोई काम की नहीं होती है। इस कार्ड पर सिर्फ 3.3 वोल्ट का मेन रोल इसमें होता है, कार्ड को ऑन करने का और सिग्नल की जो क्वालिटी है उसे बूस्ट करने का। लेकिन LNB के लिए जो आपका यहाँ से वोल्टेज जा रहा है वो 24 वोल्ट जाता है, इस पॉइंट पे 24 वोल्ट जाके लगभग यहाँ में 17-18 के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन जो 3.3 वोल्ट है वो कार्ड पे इंटरनली सिग्नल को बूस्ट करता है। अगर इसे प्रॉपरली इस कार्ड को 3.3 वोल्ट नहीं मिल पाए, समझ लीजिए आपका सिग्नल तो फुल दिखाएगा भाई, सिग्नल फुल दिखाएगा, लेकिन आपका वीक सिग्नल हुआ फिर भी बताएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बार इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये बॉक्स ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लिया है मैंने DC20 की रेंज पे। अब यहाँ पर इसको ग्राउंड कर लेता हूँ, यानी कि बॉडी के किसी भी हिस्से पर आप अटैच कर लीजिए, वो सब ग्राउंड का ही होता है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 3.3 यहाँ पर एक्यूरेट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ग्राउंड का है, तीसरा है आपका आपका 12 वोल्ट का, वहाँ पर आपको 15-16 दिखा सकता है, इसको आप माइंड मत कीजिए। और इसके बाद अगला वाला है 24 वोल्ट का, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको बढ़ा के यहाँ पर रख लेता हूँ। अब यहाँ पर 24 वोल्ट एक्यूरेट नहीं दिखाता आपको, 22, 23, 20, 19 भी दिखाता है, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी 5 वोल्ट से हमें कुछ नहीं करना, और यहाँ पर LNB के इस पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए कितनी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 17 मैंने आपको बताया ना, 17-18 के आसपास दिखा सकता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है 3.3 की वजह से ही आती है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एक्यूरेट 3.3 वोल्ट आपको दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से इस वायर को ट्रैक कीजिए और इस कार्ड के 3.3 पर आप एक बार देखिए, इस मल्टीमीटर को लगाऊंगा मैं, देखिएगा ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 5 वोल्ट का है, ये आपका ग्राउंड का है, फिर ये आपका आता है 24 वोल्ट का, फिर आता है 12 वोल्ट का, फिर आता है ग्राउंड का, फिर आता है 3.3 वोल्ट का। यानी कि ये देखिए, यहाँ से जो लाइन आ रही है ये तो आपका इतर पे भी ध्यान देंगे, ये आपका 3.3 वोल्ट का है, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिल रहा है, ठीक है 3.3। अब यहाँ पर 3.3 में लगाता हूँ और आप देखेंगे कितना मिल रहा है, देखिए कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर लगभग आपका 1-2 वोल्ट, 0.12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, बस इतने में ही ये प्रॉब्लम दिखा देता है। अभी तो ये 3.3 नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन किसी किसी समय 2.8 एंड और भी कम हो जा रहा है, जिस समय हो रहा है उस समय वीक सिग्नल दिखा दे रहा है। देखिए कितना ड्रॉप हुआ, मतलब लगभग 0.2 या 0.3 वोल्ट के आसपास ये ड्रॉप हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पर किसी समय वो 2.9 भी दिखा दे रहा है, अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पर किसी किसी समय, अब यहाँ पर ये रेगुलेटर IC है, इसके आप यहाँ पे चेक कीजिए, फर्स्ट वाले लेग पे, इस वाले पे, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए 3.1, बिल्कुल उतना ही दिखा रहा है क्योंकि यहीं से ये जा रहा है, लेकिन ये रेगुलेट करके इसको 1.7 बनाता है। अब यहाँ पर जो 1.7 ये रेगुलेट होके आगे को गया, ये गया इस सेक्शन के लिए, इस प्रोसेसर IC के लिए और मेमोरी IC के लिए चला गया, ठीक है, और यहीं से एक ट्रैक और जाता है जो कि इस ROM IC के लिए जाता है 3.3 से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूरेट से 3.3 अगर नहीं मिल पाए तो आप समझ लीजिए यहाँ पर सिग्नल
आपका वीक दिखाएगा, फुल होने के बाद भी वीक दिखाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, अभी तो ये 3.1 बता रहा है, किसी किसी में तो 2.9 पे भी आ जा रहा था जब मैंने चेक किया, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप तो हो ही रहा है, यानी कि इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। सप्लाई का दिक्कत नहीं है बल्कि ये वायर का दिक्कत है। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पर 3.3 वायर की वायर को काट के यहाँ से डायरेक्ट एक वायर यहाँ तक लगा लेनी है, बस इतना काम हमने करना है। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा लोड में आने से इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, वायर का भी किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। बस इतना ही इसमें इसमें आपने काम करना है। अगर देखिए, अगर इसमें बहुत सारी कंडीशन आती हैं, अगर इस जगह पे आपको देखिए, इस जगह पे तो हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है, और हाँ ये चीज़ आपने लोड में चेक करनी है, लोड को आप हटा के चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3.3 से ज़्यादा बता सकता है, ठीक है। लोड पे आपने चेक करना है, एक मिनट, आपको यहाँ पे अभी हमारा ग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोड को हटा दिया है तो ग्राउंड अब इस जगह पे आ जाएगा, तो अभी चेक करेंगे तो यहाँ पर 3.67 दिखाएगा, क्योंकि अभी लोड में नहीं है, लोड में आपको 3.3 वहाँ पर दिखाएगा। तो इसको मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, तो लोड में हमें कितना दिखाएगा, ये 3.3 ही दिखाएगा। देखिए अब इधर कम दिखाएगा, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने, वायर का रेजिस्टेंस वहाँ पर बढ़ चुका है, तो वोल्टेज को कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप कर रहा है। अब देखिए, अगर इस पॉइंट पे आपको 3.3 ना मिले, अभी तो यहाँ पर मिल रही है, चलो कोई बात नहीं, अगर इस पॉइंट पे आपको 3.3 ना मिले तो क्या आपने करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले इस सेट ऑफ बॉक्स को मैं ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊँगा, अगर यहाँ पर आपको 3.3 ना मिले तो आपने क्या करना है, आप इस वीडियो को देखते रहिए और यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, वीडियो आप लाइक नहीं करते और शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी इसे सीखने के लिए मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो 3.3 यहाँ पर लिखा हुआ है वो आ कहाँ से रही है, वो आ रही है हमारी, देखिए इस हम ट्रैक को पकड़ते हैं, अब उसको फॉलो करेंगे इस ट्रैक को। देखिए ये ट्रैक हमारा आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या लगा हुआ है देखते हैं। सबसे पहले ये कैपेसिटर लगा है इसे फ़िल्टर करने के लिए। अगर आपके उसमें यहाँ पर 3.3 आपको वोल्ट नहीं मिल रही, अभी तो मिल रही है, लेकिन अगर जिसको यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं मिलती उन्हें क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो अभी ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, इधर पर 3.3 मिल रहा है वहाँ पर नहीं मिल रहा, इसका यही सोल्यूशन है कि आप इस तार को हटाकर यहाँ पर दूसरी वाली तार लगा लीजिए, ये वाली कोई सी भी लगा लीजिए जिसका रेजिस्टेंस अच्छा हो, जो वोल्टेज ड्रॉप ना करे, ठीक है। लेकिन जिनके साथ ये प्रॉब्लम ना आए, यानी कि इस पर 3.3 ना आए, वो क्या कर सकते हैं, इस कैपेसिटर को, यानी कि इस ट्रैक पर जो ये कैपेसिटर है इसको चेंज कर लेना है। इसकी जो वैल्यू है मैं बता देता हूँ, अगर किसी के कैपेसिटर फट जाता है तो उसकी वैल्यू भी आप नोट कर लीजिए, 10 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेरेड। देखिए 10 वोल्ट का ना मिले कोई बात नहीं, 16 वोल्ट का लगा लीजिए, 25 वोल्ट का लगा लीजिए, बढ़ा के लगा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन माइक्रोफेरेड इसमें आप 1000 माइक्रोफेरेड रख लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, तो इस कैपेसिटर को आपने चेंज कर लेना है, ये वीक होने की वजह से इस पॉइंट पर आपको 3.3 वोल्ट नहीं मिलता है। और उससे और साथ में यहाँ पर कैपेसिटर अगर चेंज करने के बाद भी आपको 3.3 वोल्ट ना मिले तो क्या करना है, इस पॉइंट को ट्रैक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, ठीक है, कॉइल लगी हुई है, तो कॉइल के बाद में यहाँ पर क्या चीज़ है, ये है डायोड। देखिए जो सबसे बड़ा डायोड है ये 3.3 वोल्ट को बना रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो SM ट्रांसफार्मर है यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है, फास्ट रिकवरी डायोड है, तो इससे 3.3 आ रहा है इस कैपेसिटर पर, फिर फिल्टर होके ये आपका जा रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, फिर उसके बाद कार्ड पर चला जाता है। तो इस डायोड के ख़राब होने की वजह से या इसकी वैल्यू शिफ्ट होने की वजह से होता क्या है, इसमें 3.3 एक्यूरेट नहीं मिल पाती है, इसलिए इस डायोड को आप ज़रूर चेंज कर लेना, ठीक है। अब जिनके साथ यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिली वो एक काम कर लेना, बाकी लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इस वायर को चलिए कट करके हम अलग कर लेते हैं, और इसको भी हम कट करके अलग कर लेते हैं, यहाँ पर कट कर लूँगा, एक मिनट, इसको कट करके थोड़ा सा अलग कर लूँगा। अब इस वायर को हम निकाल लेते हैं बाहर और इसको रखते हैं साइड पे, और यहाँ से एक मैं जंपर मार लूँगा वहाँ तक, ताकि यहाँ पर जो नई वायर है उसकी रेजिस्टेंस अच्छी है तो वहाँ तक एक्यूरेट वोल्टेज वो पहुँचा पाएगा और अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये 3.3 का पॉइंट है, यहाँ से ना दें तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं, ये पूरा एक ही ट्रैक है, तो चलिए यहाँ पर मैं इसे
कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एक वायर डायरेक्ट वहाँ तक मैं दे दूँगा। तो फाइनली इसे मैंने कनेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, आप करके देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा एक्यूरेट यहाँ पर 3.3 जो वोल्ट है उसका क्या काम होता है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर पता चल जाएगा। 3.3 का काम इस कार्ड का मेन काम होता है, मतलब इस कार्ड में 3.3 जो वोल्टेज होती है ना उसका मेन काम होता है। आप भले इसमें कनेक्ट कर लीजिए या फिर इसको आप प्रेस कीजिए और इसके पॉइंट को बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से, आपको बताता हूँ। इसमें साथ ही आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रेस कीजिए और इसको खींच लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कीजिए, इसको आप सोल्डरिंग करके इसको वहाँ तक फिट कर लीजिएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लीजिएगा, देखिए। और यहाँ पर इसे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, बहुत ही इजी है, आप घर पे भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपके पास सोल्डरिंग आयरन और एक मल्टीमीटर होना ज़रूरी, क्योंकि वो चीज़ वो मेन चीज़ होती है इस इलेक्ट्रॉनिक के काम में। तो चलिए फिर इसको मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए कनेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ इस पर और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं कार्ड से। अब इसकी वोल्टेज हम फाइनली चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब इसको मैं फिट कर लेता हूँ और इसको ऑन करके आपको इसकी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। चलिए अब इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसको रखते हैं 20 पे, चलिए 200 पे रखते हैं और यहाँ सारी वोल्टेज हमारी चेक हो जाएंगी इस जगह पर। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम ग्राउंड और इसको लगाते हैं हम 3.3 में। यहाँ तो एक्यूरेट मिल रही है, 3.4 मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर 4 मिल रही है, बढ़ा के ही मिल रही है। और इसमें चेक करते हैं, अब देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट एक्यूरेट हमें मिलने लग रही है। बस इतना ही इसमें काम करना है आपने, बस वायर एक चेंज करनी है, उसके बाद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर रेगुलेटर पर चेक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर देखिए एक्यूरेट यहाँ पर मिल रही है। बीच में तो आपको 1.7-1.8 के समथिंग मिलेगी, ठीक है, 1.8 इसमें मिलती है आपको रेगुलेटर में। भाई आपका इनपुट अच्छा करेगा तो आउटपुट भी वो एक्यूरेट कर पाएगा, इतना आपने ध्यान देना है। तो देखिए हमने लाइव इसका पूरा प्रैक्टिकल कर लिया है और आपको इसकी वोल्टेज चेक करवा के भी मैंने दिखा दी है। हाँ, अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपके जो चैनल्स हैं और भी ज़्यादा आने लगेंगे। मतलब अगर आपके कम चैनल आ रहे हैं तो ये काम आप कर लीजिए, इसमें भी आपके चैनल थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। और अगर आपके उसमें चैनल बहुत कम आ रहे हैं तो आपने एक काम कर लेना है, आप एक काम ये कीजिए कि इस मेन कैपेसिटर को चेंज करके देख लीजिए। ये जो मेन कैपेसिटर है ये अगर वीक हो जाता है तो सारी वोल्टेज वहाँ पर गड़बड़ा जाती हैं। सारी वोल्टेज बोले तो एक्यूरेट कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर पाती हैं जो उसमें आपको देनी चाहिए। अदर चलिए बाकी वोल्टेज भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें वैसे 15 वोल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी और 24 पे भी नहीं थी, थोड़ा बढ़ा के मिल रही, पॉइंट ज़्यादा मिल रही है। 5 वोल्ट से हमें कुछ नहीं लेना देना, 5 वोल्ट का यहाँ पर एक्यूरेट मिल रहा है। बस यहाँ पर हमारा सिर्फ 3.3 का ही काम था, वो हमारा सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर अब इसको मैं स्कैन करके चला लूँगा। और दोस्तों अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर हैं ये सभी की वोल्टेज से रिलेटेड कैपेसिटर हैं। अगर आपको किसी एक वोल्टेज में थोड़ा सा आपको लगता है वो कम आ रही है तो उस पॉइंट को ट्रैक करके उस कैपेसिटर को आप चेंज कर लेना। और उसका डायोड जो भी बता दिया मैंने, 3.3 का डायोड ये है, तो अदर वोल्टेज के लिए डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं जो इस SM ट्रांसफार्मर से आउटपुट करते हैं और कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर होके वो एक्यूरेट पॉइंट पे पहुँचते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको रिपेयर करना, आप ट्राई करेंगे तो आपको और भी वहाँ पर आने लगेगा, बस आप ट्राई कीजिए। कोई भी चीज़ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।